अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी एक सिंपल सा मड मास्क का प्रोसीजर, विच इज़ वेरी इजी, जो आप आराम से जो है वो इंस्टेंटली अप्लाई कर सकते हो अगर आप जल्दी में हो तो। ये एक बहुत बेस्ट प्रोसीजर है। जस्ट राइट बिफोर, लाइक 15 मिनट्स बिफोर द शावर, आप इसको ईजिली मुंह पे अप्लाई करो और उसके बाद जो है वो आपकी स्किन की जो ऑयलीनेस है वो ख़त्म हो जाएगी, डलनेस ख़त्म हो जाएगी और आपकी स्किन जो है वो बहुत नाइसली शाइन करेगी और प्योरीफाई हो जाएगी। सो मैं आपको बताती हूँ कि ये हमारे पास है इंग्रेडिएंट्स जो कि हमने अप्लाई करने, दे आर जस्ट टू ऑफ देम। एक आ जाता है जी, ये सईद गनी का है, मुल्तानी मड लेवेंडर पाउडर है ये। इसमें मुल्तानी मिट्टी और लेवेंडर को इन्होंने मिक्स किया हुआ है और आप सबको ही पता है कि सईद गनी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ऑर्गेनिक और स्किन फ्रेंडली होते हैं। तो ये हैं जी इसकी डिटेल्स सारी और इसमें सारा बताया हुआ है जी कि ये इसकी प्रोफाइल है, लेफ़्ट साइड पे इनके प्रोडक्ट की प्रोफाइल है सारी। और यहाँ पे इस प्रोडक्ट के हवाले से बात की गई है कि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, ठीक है ना, इसमें कोई केमिकल्स एडेड हैं और फेस को नेचुरल ग्लो दे देता है और ब्यूटीफुल बनाता है आपकी स्किन को और ये सूटेबल है ऑल एजेस के लिए। तो इसमें उन्होंने बताया जी कि टेक 2 टेबलस्पून ऑफ मुल्तानी मड, मिक्स इट इन रोज़ वाटर टू मेक अ पेस्ट एंड देन अप्लाई ऑन फेस, ठीक है। और जब ये ड्राई हो जाएगा तो आपने स्किन से जो है वो इसको रिमूव कर लेना, ठीक है। और अगर आपकी स्किन ड्राई है तो उसमें आप फ्रेश मिल्क भी डाल सकते हो, इसके अलावा हनी डाल सकते हो अलॉन्ग विद रोज़ वाटर, ठीक है। रोज़ वाटर तो डालना ही है आपने पेस्ट बनाने के लिए, लेकिन अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आपने मिल्क डाल लेना या हनी डाल लेनी है, ठीक है, और यू विल सी द डिफरेंस। और जी ये 200 का पैक मिला है मुझे और इसकी जो एक्सपायरी डेट है वो जुलाई 2022 है। अच्छा जी, सो ये तो है जी हमारा मुल्तानी मड प्लस लेवेंडर पाउडर और ये है जी, ये भी सही देने का ही है, रोज़ स्प्रे, ठीक है। रोज़ स्प्रे के बहुत से बेनिफिट्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप इसको सिंपली एज अ टोनर यूज़ करना चाहो तो आप इजीली कर सकते हो। मेरी पिछली वीडियो में भी स्प्रेज़ की मैंने बताया था कि एक इजी प्रोसीजर होता है स्प्रेज़ को अप्लाई करने का एज़ कम्पेयर टू ओपनिंग द बॉटल एंड देन टेकिंग सम अमाउंट ऑफ पर्टिकुलर लिक्विड और इसको अप्लाई करने के लिए। तो जी ये स्प्रे बॉटल है, इसको अगर आप एज इट इज़ जो है वो डेली बेसिस पे अपनी स्किन को हाइड्रेट रखना चाहते हो, क्लींस रखना चाहते हो, तो आपने सिंपली स्प्रे बॉटल को रख देना है जी फ्रिज के अंदर और आते जाते किचन में काम करते हुए, आते जाते जब भी आपको मौका मिले आपने इसको अपने फेस के ऊपर स्प्रे करना है और आप इंस्टेंटली जो है वो एक फ्रेश, एक तो आपको फ्रेशनेस फील होगी उसी वक्त और इसका जो आफ्टर इफेक्ट ये होगा कि आप स्किन जो है वो हाइड्रेटेड होगी और ग्लो भी करेगी, ठीक है। ये एज अ नेचुरल क्लींजर भी एक्ट करता है जो रोज़ वाटर है, ठीक है। अच्छा जी, ये ब्रश मैं यूज़ कर रही हूँ इस मड को अप्लाई करने के लिए। आई फॉरगॉट द स्पून, लेट मी ग्रैब द स्पून और फिर मैं पेस्ट बना के आपको दिखाती हूँ, ठीक है। अच्छा जी, ये है जी इसके अंदर से जो मुल्तानी मड वाला जो हमारे पास पैक है उसके अंदर से इस तरह की पैकेजिंग निकली है। बड़ा नाइसली गोल्डन कलर है इसका, मैंने ऑलरेडी यूज़ किया हुआ है। दिस इज़ हाउ इट लुक्स फ्रॉम इनसाइड। तो अब मैं आपको जो है वो 2 टेबलस्पून जो है वो डालूंगी इस प्याली के अंदर, ठीक है। कोशिश करें ग्लास या सिरेमिक का कोई जो है ना वो बाउल यूज़ किया करें एज़ कम्पेयर टू प्लास्टिक, ठीक है। उसके जो है वो एक तो इजी टू वॉश होता है और दूसरे ये कि उसके इफ़ेक्ट्स नहीं होते, जो आपका प्रोडक्ट है उसके ऊपर भी इफ़ेक्ट नहीं होते। इवन दो कि ये मर्ड की मिक्सिंग है, इसमें ऐसा जितना कोई ख़ास नहीं है रोल उसका, बट जब हम कलर्स की मिक्सिंग करते हैं या कुछ मास्क बनाते हैं जिसमें हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऐड करते हैं तो उसमें कोशिश करें कि हमेशा सिरेमिक का या ग्लास का बाउल यूज़ करें। अच्छा जी, ये डाल लिया है मैंने इसके अंदर से 2 टेबलस्पून, थोड़ा सा लेस है 2 टेबलस्पून से क्योंकि अभी मैं ज़्यादा अमाउंट नहीं बनाना चाह रही थी। सो डिपेंडिंग अपॉन आप लोग कितने लोग हो जिन्होंने एट ए टाइम यूज़ करना है, बहने बैठ के अम्मी के साथ यूज़ करना है, अकेले यूज़ करना है, आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप इसको निकालो। लेकिन मैंने यहाँ पर ऑलमोस्ट क्लोज़र टू 2 टेबलस्पून निकाला है पाउडर इसके अंदर से। अब मैं इसमें ऐड करूंगी रोज़ वाटर।
अच्छा जी, तो अब मैं ऐड करने लगी हूँ इसमें रोज़ वाटर, और उतना ऐड करना है कि आपके पास एक थिक सा पेस्ट आ जाए। कि ये मैंने ऑलरेडी वॉश कर लिया था ब्रश, इसके हालात बुरे हुए हैं बिकॉज़ ये मल्टीपल पर्पसेस के लिए यूज़ होता रहता है। अच्छा जी, तो आपने करना है ऐसे मिक्सिंग 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 मिक्सिंग। अभी इसको थोड़ी सी और जो है वो वाटर की ज़रूरत है। अच्छा जी, तो और अभी आप देख रहे हो क्लम्प्स थोड़े से बने हुए हैं, थोड़ा सा और ऐड करते हैं और फिर करते हैं इसको मिक्स। मैंने हाथ की डायरेक्शन चेंज कर लिया, इट इज़ मोर इजी टू अप्लाई फ्रॉम द राइट हैंड। तो और थोड़ा सा डालेंगे जी रोज़ वाटर, अगेन मिक्सिंग 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 मिक्सिंग। अच्छा जी, क्लम्प्स नहीं बनने चाहिए, ठीक है, क्लम्प्स को आपने तोड़ के रखना है। और थोड़ा सा रोज़ वाटर, अब आई गेस इसका एक यूनिफॉर्म पेस्ट बन जाएगा। अच्छा, एक और चीज़ मैं की बताती हूँ कि इसको आप बना के उस वक्त यूज़ भी कर सकते हो, और अगर आपके पास जो है वो ज़्यादा बन गया तो ज़रूरी नहीं, आपने इसको फेंकना नहीं है, ठीक है। आपने इसको सिंपली रख देना है फ्रिज के अंदर, और जब आपका नेक्स्ट टाइम आपने अप्लाई करना होगा, क्योंकि ये ड्राई हो जाता है फ्रिज में जब आप रखोगे तो मॉइस्चर ऑब्वियसली इसका ड्राई हो जाएगा, तो आपने अगेन रोज़ वाटर डाल के उसी मिक्सचर को दोबारा से मिक्स करोगे तो आपका प्रोडक्ट जो है वो फिर से ऐसा पेस्टी सा बन जाएगा और आप इजीली अप्लाई कर सकते हो। आई विल रिकमेंड कि ठंडा ठंडा रोज़ वाटर यूज़ करो, उससे बड़े सूदिंग इफेक्ट्स आते हैं, स्पेशली इन समर आपकी स्किन को बड़ा अच्छा फील होता है उससे। अच्छा जी, अब मैं करने लगी हूँ इसको अप्लाई, तो स्टे ट्यून्ड। अच्छा जी, मैं आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ कि कैसा रिज़ल्ट आता है ऑन द स्किन। तो ये आप देखो कि इस तरह करके आपने ब्रश की हेल्प से इवनली अप्लाई कर लेना अपनी पूरी फेस के ऊपर। हैंड्स पे अप्लाई करना चाहो हैंड्स पे करो, और फेस पे जब भी कोई मास्क अप्लाई करें हमेशा आपने उसको अपने नेक के ऊपर भी अप्लाई करना, ठीक है। तो ये है जी रिज़ल्ट ऑफ दिस। 15 मिनट जितना भी टाइम लगे इसको ड्राई होने में, आप जो है वो इसको ड्राई करोगे और उसके बाद अपनी स्किन को जो है वो आपने वॉश कर लेना है ल्यूक वार्म वाटर से, जो भी नॉर्मल टैप वाटर आपका आ रहा है उससे आप वॉश कर लो और पैड ड्राई कर लो, और उसके बाद अपनी स्किन का जो है वो डिफरेंस आपको ईजिली पता चल जाएगा। सो विद दिस आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह फ्यूचर में भी जो है वो मैं आपके लिए कुछ हेल्पफुल कंटेंट लेके आऊँगी, या वो प्रोसीजर्स मैं आपसे शेयर करती हूँ जो मैं खुद यूज़ करती हूँ या अप्लाई करती हूँ। तो विद दिस नोट कि ये आपको बेनिफिट देगा। हैव अ ग्रेट डे एंड टेक केयर एंड डू सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। थैंक यू सो मच, बाय बाय।